तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यार आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यार आप लोग अपने लॉयर व्यूअर्स के लिए एक गिफ्ट कैसे ला सकते हैं। तो यार वो गिफ्ट है एक टाइप से पॉइंट्स देना, और उन पॉइंट्स के बेस पे आप उन लोगों को मॉड बना सकते हो या फिर गिव अवे का रिजल्ट निकाल सकते हो। और गाइज इस वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक छोटा सा स्टेप भी स्किप होता है तो यार आप लोग का स्ट्रीम लैब्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा या फिर वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो यार वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं गाइस। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, उसमें आप लोगों को स्ट्रीम लैब्स को खोल लेना है। स्ट्रीम लैब्स को खोलने के बाद आपको वहाँ पे करना है लॉगिन विद यूट्यूब करना है आप लोगों को। कंटिन्यू विद यूट्यूब करके आपको यहाँ पे अपनी सारी आईडीज दिख जाएंगी। कोई सी भी आईडी से आप, मतलब जिस भी आईडी से आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो उस आईडी से आप लोग अपना स्ट्रीम लैब्स को लॉगिन कर लीजिए। स्ट्रीम लैब्स को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा आपका डैशबोर्ड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा इंटरफेरेंस है। यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे जाना है, क्लाउड बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों को जाना है। क्लाउड बोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पे पता नहीं यार मेरा क्या ग्लिच हो रहा है, ये मेरा इनेबल ही नहीं हो पा रहा है इस आईडी से। पता नहीं यार कुछ ग्लिच हो गया इस वेबसाइट का। तो गाइज आप लोगों का इनेबल हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो आप लोग सबसे पहले बिना किसी भूल के इसको इनेबल कर लेना, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। ओके गाइज, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, यार पहले मैं एक बार और ट्राई करके देख लूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा यार एक लॉयल्टी का ऑप्शन, देख रहे हो लॉयल्टी का ऑप्शन दिख रहा है। लॉयल्टी के ऑप्शन पे आप लोगों को कर देना है क्लिक। लॉयल्टी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों कर देना है इनेबल लॉयल्टी। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, जो लॉयल्टी के सेटिंग्स है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे पहले डिसेबल था, हमने इसको कर दिया है इनेबल। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कुछ भी पॉइंट्स रख सकते हो, उसका नाम या फिर कॉइंस रख सकते हो, या फिर जो भी आप लोग अपने चैनल के नाम पे भी अगर कुछ रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको पॉइंट्स ही रहने देता हूँ, ठीक है गाइस, इसको हमने पॉइंट्स ही रहने दिया। उसके बाद ये आपसे नीचे पूछेगा कि आपको कितने मिनट के कितने पॉइंट्स देने हैं। तो आप लोग एक टाइप से ये भी कह सकते हो कि मुझे 10 मिनट का एक पॉइंट देना है या फिर 10 मिनट के दो पॉइंट देने हैं। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आता है 5 मिनट का एक पॉइंट। तो गाइस मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग 5 मिनट का एक पॉइंट ही रखें, क्योंकि गाइस उससे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा यार, और आपके व्यूअर्स को जल्दी जल्दी गिफ्ट में मिलते रहेंगे। क्योंकि गाइस लॉयल व्यूअर्स को गिफ्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस वही लोग हमारे रियल सपोर्टर्स हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 5 और 1 रख दिया। उसके बाद यार मैं आपको कहूँगा कि इसको एक्टिव व्यूअर्स को 0 ही रखना, क्योंकि यार स्ट्रीम लैब्स और ना जितने भी व्यू, मतलब जितने भी लोग हमारी स्ट्रीम को देख रहे हैं ना, उसको पॉइंट्स देना शुरू कर देगा, इसलिए गाइस उसको 0 ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आता है, अगर आपको कोई सब्सक्राइब करे तो यार कितने पॉइंट देने हैं उसको। यहाँ पर आप जैसे कि ऊपर 5 दे रखे हैं तो यहाँ पे 10 दे सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है। अगर आप लोग 100 देना चाहते हो 100 दे लो, 50 देना चाहते हो 50 दे लो, आपकी मर्जी है गाइस। उसके बाद अगर आपके पास मेंबरशिप इनेबल्ड है तो यार आप लोग मेंबरशिप को भी कर सकते हो यहाँ पर इनेबल, कि अगर आपकी कोई मेंबरशिप ले तो यार आपको इतने देने हैं पॉइंट्स, अगर आपके कोई, मतलब मैं समझ रहे हो ना। ओके गाइस यहाँ पे मेंबरशिप के अगर आप लोग चाहो तो 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितने मर्जी उतने रख लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे सुपर चैट का ऑप्शन, अगर आपका मन करे तो यहाँ पर भी आप लोग कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है एक बहुत बड़ा स्टेप, अपने YouTube के अकाउंट के अंदर इसको मॉड के अंदर डालना। तो गाइज उसके लिए चलो बताता हूँ आपको कि क्या करना है। और हाँ गाइज इसको सेव करना मत भूल जाना, अगर सेव करना भूल जाओगे सारी मेहनत पानी में, फिर तुम लोग सोचोगे भाई सैम भाई ने बताया नहीं, मैंने बता दिया। तो गाइज चलते हैं अपने YouTube के डैशबोर्ड पर। तो गाइज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, अगर वो नहीं करोगे तो स्ट्रीमलैब्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइज सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल न्यू अकाउंट है, कुछ भी मैंने अभी तक यहाँ पे अपलोड भी नहीं कर रखा, क्या पता इसलिए नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरा इनेबल करने के लिए। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको जाना है कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के अंदर जाके यहाँ पे आपको एक ना स्ट्रीम लैब्स पे ही लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को कर लेना है कॉपी कंट्रोल प्लस सी या फिर जैसे आपकी मर्जी भाई। उसके बाद यहाँ पे डालना है कंट्रोल प्लस सी, मतलब पेस्ट करना है, और यूट्यूब खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है किसकी आईडी है। उसके बाद स्ट्रीम लैब्स पे करके सेव करना मत भूलना, अगर सेव नहीं करोगे सारी मेहनत फिर से पानी में। मैंने एक बार और करके ट्राई करा लेकिन नहीं हुआ गाइस। तो गाइस इस वीडियो में रखते हैं आज इतना ही, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग अपने व्यूअर्स को कैसे गिफ्ट दे सकते हो यार। और यार गाइस आप लोग लाइव स्ट्रीम पे आना बिल्कुल मत भूलना, 1 से 3 के बीच में होती है हमारी लाइव स्ट्रीम रोजाना, तो यार लाइव स्ट्रीम में आना बिल्कुल मत भूलना। तो यार आप लोगों को अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए इसी तरीके का कॉन्टेंट लाता रहेगा। तो यार
अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।